मुंबई के अंधेरी इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। अंधेरी स्टेशन के पास गोखले रोड ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे अचानक से यह ब्रिज गिर गया, जिसके बाद वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन यातायात ठप पड़ गया। अंधेरी स्टेशन के पास जिस जगह पर यह ब्रिज गिरा उससे कुछ ही दूरी पर लोकल ट्रेन चल रही थी। जरा सोचिए, अगर ब्रिज के नीचे ट्रेन गुजर रही होती तो आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल मौके पर मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। लोकल सेवाएं आज आधी रात तक पूरी तरह से चालू हो पाएंगी। हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही इस ब्रिज हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई में आज भयानक हादसा हुआ, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में अंधेरी ईस्ट वेस्ट का फुटओवर ब्रिज गिर गया। इस वक्त की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करने वाला फुटओवर ब्रिज है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसमें 4 से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। यहां पे NDRF की टीम मौजूद है, पुलिस कर्मचारी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई है, JCB से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या आप यही रहते हैं और आपने ये हादसा जब हुआ सुबह के 7:30 बजे वो हादसा आपने देखा? हाँ, अपने आंखों से देखा। मैं कैसे हुआ हादसा? मतलब ये गिर गया ना, वो जो चलने वाले आदमी है सब, जो पटरी है इधर से गिर गई सब, जब पतरा की आवाज आई तो हम लोग निकल के अंदर से रूम से बाहर निकले। जोर से आवाज आया गिरने का, तो हम लोग सब आके बाहर आके देखे तो ये ब्रिज नीचे गिर